तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के ऊपर। बहुत सारे बच्चे अभी पास आउट कर रहे हैं इस साल को, तो उन लोगों के लिए हम लाए हैं फ्रेशर्स ऑफ कैंपस जॉब्स कैसे ढूंढें। अभी करंट डेज का सीनरियो कुछ ऐसा है कि ज़्यादातर बच्चे कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग के अंदर स्ट्रीम तो भाई बहुत सारे हैं, मदर ट्रेड HR, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड है आपका सिविल इंजीनियरिंग। जॉब पाने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपके एरिया का जो भी मैन्युफैक्चरर है या फिर कंपनी है, top 10 या फिर top 5 का लिस्ट बनाएं पहले। उनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस क्या है, ये सब आप नोटिंग करिए, एक लिस्ट बनाइए। अभी क्या होगा, आपका असली खेल शुरू होगा। अभी आपको क्या करना होगा, जो लिस्ट आप बनाए उनमें से एक एक करके सारे कंपनीज को आपका CV मेल करना है। ईमेल कंप्लीट होने के बाद आपको सारे कंपनीज को फ़ोन करना है, एक एक करके फ़ोन करके आपको HR पे देने के लिए बोलना पड़ेगा। अगर HR का डिटेल्स ना रहे तो फिर HR से आप बात करेंगे और पूछेंगे कि आपके कंपनी में कोई वैकेंसी है क्या मेरे लिए सुइटेबल, तो फिर मैं आपको CV भेज चुका हूँ या फिर रिज्यूम भेज चुका हूँ, आप मेरे को बस एक चांस दीजिए या फिर मेरा इंटरव्यू लीजिए अगर आपके पास कोई पोस्ट है, ठीक है। बस इतना सा बात तुमको बोलना है, क्योंकि वो लोग बहुत सारे टाइम पे होता है कि वैकेंसी है, ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट को, मिल नहीं रहा है, तो फिर तुमको वो मौका मिल जाएगा। ये हो गया एक पॉइंट। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है आप जिस किसी भी कंपनी में अप्लाई करने चाह रहे हैं उसके कंपनी का प्रोफाइल ओपन करने के बाद उधर पे ही लिखा रहता है कि कैरियर या फिर अपॉर्चुनिटी बोल के, आप उस टैब पे जाइए। उस टैब पे जाने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म भर के आप सबमिट कर दीजिए। ऐसे भी आपका ईमेल या फिर आपका जो रिक्वेस्ट है ये कंपनी तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था आज का वीडियो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके लिए वीडियो फायदेमंद रहा तो फिर एक लाइक और आपके इम्पोर्टेंट कमेंट जरूर करके जाइए। नीचे दिया हुआ डेमो वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा, आप देख लीजिए।